आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान दिल्ली की तर्ज पर आम जनमानस के ऑक्सीजन की जांच के लिए अभियान शुरू किया है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी इसकी शुरुआत कर दी है। पार्टी यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी, साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर भी जागरूक करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लोगों की ऑक्सीजन की जांच का अभियान चला रही है। हिमाचल प्रदेश में शिमला से आम आदमी पार्टी ने अपने अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निका सिंह पटियाल ने कहा कि पार्टी ये अभियान पूरे प्रदेश में चलाएगी, साथ ही लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी करेगी। अभी पूरे हिंदुस्तान में जो केजरीवाल जी ने एक मुहिम चलाई है कि कोरोना से कैसे मुक्ति पाई जाए, तो पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीमीटर प्रत्येक बूथ स्तर पे बांटे जा रहे हैं, जो के लोगों की ऑक्सीजन लेवल चेक करेगी। जिनका भी लेवल 95 से नीचे अगर दर्शाता है मीटर, तो उसको ये सलाह दी जाएगी कि वो मेडिकल सुविधा प्राप्त करे, अन्यथा कोरोना का उसमें कोई ना कोई कारण अटैक का हो सकता है। तो हम ये अभी हिमाचल में भी सब जगह मुहिम चला रहे हैं। बूथ स्तर पे हम एक एक ऑक्सीमीटर बनाएंगे, जो पहले राउंड में तो अपने बूथ का जाके सबका लेवल ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, उसके बाद वो अपना एक पर्चा रहेगा, उसके ऊपर उसका मोबाइल और नाम लिखा रहेगा, हर एक घर में वो उसको बांट के आएगा। गांव में या बूथ में कभी भी किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको वो कॉल कर सकता है, बुला सकता है, या नहीं आने में सक्षम है तो हमारा कार्यकर्ता जाके उसका ऑक्सीजन लेवल नापेगा, उसकी तबीयत देखेगा। अगर तबीयत उसकी ऐसा लगती है कोरोना से ग्रसित है, तो उसको सलाह देगा कि आप फर्स्ट एड लें, जाके मेडिकल सुविधा लें, उसको अवेयर करेंगे हम। और अगर वो जाने लायक भी नहीं है तो हमारा कार्यकर्ता जो है उसको मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा। ये केजरीवाल जी ने एक अभियान तौर पे जो है ना कोरोना से मुक्ति प्राप्त करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम छेड़ी है, और इसको अदरवाइज हम यहाँ खड़े होके शिमला से हम ये कहते हैं कि इसको अदरवाइज ना लिया जाए, लोगों में कोई गलतफहमी ना फैलाई जाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक आदमी की जान भी बहुत कीमती है। हम चाहते हैं कि हिमाचल का कोई भी व्यक्ति कोरोना से ग्रसित होके मृत्यु किसी की ना हो, इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान पूर्व में रहे कर्मचारी नेता एसएस जोगटा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही कांग्रेस और भाजपा पर भी इस मौके पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इन दोनों पार्टियों को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया है। आज मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस कर रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी में जुड़ा, और आम आदमी पार्टी के जैसे आपको प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह ही दिया, हमने तो सिर्फ उसे आगे बात ये करनी है कि ऑक्सीमीटर्स का जो जितना भी ऑक्सीजन लेवल है, चाहे पल्स रेट है, वो देख करके लोगों को हमने अवेयर करवाना है केजरीवाल की नीतियों को। और केजरीवाल मॉडल जो है हिमाचल प्रदेश में तो है ही है, पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा, हूबहू लिटरली वही मॉडल लागू किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने देश का भट्टा ही नहीं बिठाया है और आम आदमी का जीना हराम कर दिया है। चाहे बेरोजगारी का केस ले लो, चाहे वो आप किसी कोरोना के केस दौरान कितनी मृत्यु हुई और कितनों के रोजगार छूट गए, और अब भारत सरकार ने एक फरमान और जारी कर दिया है कि लोगों को नौकरी के जो क्रिएशन होनी है पोस्टों की, वो बंद कर दी है। ऐसे इससे मैं तो कहता हूँ कि इन वर्तमान सरकार से जो है अंग्रेज भी ठीक थे, कम से कम उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए और पोस्टें भरी, हिंदुस्तान के ही लोगों को भरा, मैं तो उनके बराबर इनको दर्जा देता हूँ। तो केजरीवाल का जो मॉडल है, जैसे मोहल्ला क्लिनिक्स है और जी उनका जो पेंशन की स्कीम है, पानी है, बिजली है, दूसरी जो तमाम जितनी चीजें हैं उन्होंने अपनाई है, और उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था हुबरू उसके ऊपर वो खड़े उतरने का उन्होंने प्रयास किया, प्रयास ही नहीं किया, पूरा इम्प्लीमेंट किया दिल्ली के अंदर, और वही कोई नई बात नहीं है, तो वही चीजें यहाँ भी रिपीट होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।